हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जिनका भी एसबीआई पीओ का एग्जाम था प्रीलिम्स का, आप लोग अपने अटेम्प्ट जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया और कितनी एक्यूरेसी से आप लोगों ने किया है। ओके, एंड अभी मैंने आईपीएस पीओ का मॉक दिया था, मैं टेस्ट बुक से आज मॉक दे रही थी। बिकॉज एक ही सोर्स से अगर हम लोग मॉक देते हैं तो उस पर हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, उसके पैटर्न को या फिर जिस तरीके से भी उसका इंटरफेस होता है, राइट। तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट करके देखते हैं, तो मैंने आज इसका मॉक नंबर 1 दिया। आप देख सकते हैं आईपीएस पीओ प्रीलिम्स फुल टेस्ट 1 टेस्ट बुक का, और इसमें मैंने 71 स्कोर किया है एंड परसेंटाइल 96.7 परसेंटाइल है। अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सोचते हैं कि हाँ एक मॉक थोड़ा हाई लेवल का दिया तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी देना चाहिए, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसको दे रही थी अभी। एंड दूसरा मॉक मैंने दिया है तो इसमें मैंने बहुत ब्लंडर कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने इंग्लिश सेक्शन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो अटेम्प्ट किया अच्छा, बट रीजनिंग में मेरे 0 अटेम्प्ट दिख रहे हैं क्योंकि टेस्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से मेरा मॉक ही बंद हो गया। एंड तो मेरी परसेंटाइल इतनी कम आ गई जो कि बहुत ही कम है, लाइक 54.2 परसेंटाइल बहुत ही ज्यादा कम है। सो ये एक ब्लंडर हो गया कि रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं हो पाया इसमें। सो आईपीएस क्लर्क का भी एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। जो लोग सिर्फ आईपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो बिगनर है, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूं या फिर मैं बिगनर हूं, मैं आईपीएस क्लर्क को ही टारगेट कर रहा हूं, और किस टॉपिक को मुझे क्वांट के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक पर मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सारे टॉपिक नहीं पढ़ पाते हैं, और ये एक ऐसा टाइम है जहां पर हम लोग को स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो आइए देख लेते हैं, एक बार मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है, सबसे पहले तो आप सिंप्लीफिकेशन पर अपनी पूरी कमांड रखिए। ये मैं बता रही हूँ आपको, मैं एक बार बता देती हूँ, इस बुक के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी कई बार बताया है। ये बुक है 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैंकिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होती है, और ये बुक जो हमारी टेस्ट बुक की बुक है, एंड इसको आप परचेस भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप परचेस भी करना चाहते हो, इंग्लिश में परचेस करना चाहते हो तो इंग्लिश में कर सकते हो, या फिर हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में भी कर सकते हो। तो इसमें आपको सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको अगर आप टारगेट कर रहे हो और आपके सारे टॉपिक प्रिपेयर नहीं है तो किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप इतने टाइम में प्रिपेयर भी अच्छे से कर सकते हो प्लस वहां पर क्वेश्चन भी कर सकते हो प्रीलिम्स के, राइट। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पर अपनी पूरी कमांड बनाओ, और मैं तो यही कहूंगी आप लोगों से कि आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को डेली करो, क्योंकि इसको करने से क्या होता है कि आपकी एक तो स्पीड बढ़ती है, प्लस आपके जो भी टेबल्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, जो भी स्क्वायर होते हैं, वो हमेशा रिवाइज होते रहते हैं डेली, क्योंकि हम लोग इतना याद नहीं हो पाता कभी कभी कि डेली बैठकर टेबल याद करें या फिर क्यूब याद करें, स्क्वायर याद करें, ये सारी चीजें भूल जाती हैं, हम लोग मॉक लगाते रह जाते हैं, राइट। तो इनसे क्या होता है कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी जो है स्पीड भी बनी रहेगी और आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी फास्ट होगी, आपके टेबल स्क्वायर क्यूब्स ये याद होते रहेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नंबर सीरीज में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। और मेरा जहां तक मैं अपना बता रही हूँ, मेरी मिसिंग नंबर सीरीज में एक्यूरेसी बहुत सही रहती है, बट रॉन्ग नंबर सीरीज अगर आ जाती है एग्जाम में तो मैं उसे टच भी नहीं करती हूँ रॉन्ग नंबर सीरीज को, क्योंकि मुझे पता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज अगर मैं करने गई तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि उसके अलावा अगर मैं चाहूं तो मैं अलग से 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के बना सकती हूं। तो इस वजह से रॉन्ग नंबर सीरीज मुझे समझ नहीं आती जल्दी, तो मैं रॉन्ग नंबर सीरीज को मैं जनरली स्किप ही करती हूं जब थोड़ी सी ऐसे पैटर्न होते हैं कि एकदम बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, एक बार में अगर नहीं समझ आया तो स्किप करके आगे निकलो। बट यस, प्रैक्टिस करते रहना है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन वहां पर आपको क्लिक कर जाए एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। और इसमें सबसे अच्छा क्या दिया हुआ है, अगर आप एक बिगनर हो या फिर आईपीएस क्लर्क को आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आईपीएस क्लर्क को ही टारगेट करके चल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके दिया हुआ है, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक दिया हुआ है। तो दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार जो आया था, मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरी शिफ्ट थी एसबीआई पीओ की 21 नवंबर 3rd शिफ्ट, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था 5 नंबर का। मैंने पूरा पेपर देखा, उसमें कहीं भी सिंप्लीफिकेशन नहीं था और कहीं भी इस तरीके के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन भी मुझे नहीं दिखा, क्योंकि एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगता है कि 5 नंबर तो हम यहां से बिल्कुल निकाल ही लेंगे, बट वहां पर आई क्या थी, रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, और वो भी अच्छी खासी पैटर्न थे जो आपको एक बार में क्लिक नहीं हो रहे थे। तो उस टाइम पर हमारी एक स्मार्ट अप्रोच क्या होगी, हमारी स्मार्ट अप्रोच यही होगी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जाकर सॉल्व करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पार्ट होता है जो कि कितना भी टफ बनाए आप आराम से कर ले जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस की है।
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है कि इससे आप 5 नंबर तो डेफिनेटली निकाल सकते हो, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज आती है या फिर मिसिंग नंबर सीरीज आती है तो हम लोग कभी श्योर नहीं हो पाते कि क्या वो मेरी 5 क्वेश्चन बन पाएंगे या नहीं। सिंप्लीफिकेशन में कभी डेसिमल वाली सिंप्लीफिकेशन आ गई या परसेंटेज हाई परसेंटेज इस तरीके का आ गया जो आपको पता ही नहीं है, तो वहां पर आपको टाइम लग सकता है। बट क्वाड्रेटिक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप आराम से सेकेंड्स में क्वेश्चन बना सकते हो और इसको बहुत ही बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। 5 नंबर तो आप डेफिनेटली निकाल लोगे यहां से, तो इसकी प्रैक्टिस आप डेली करना, ठीक है। जो अभी आपका टाइम चल रहा है इतने टाइम में आप आराम से करोगे प्रैक्टिस, आपका डेफिनेटली प्री क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरा टॉपिक जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और आपको उसे जरूर करना चाहिए वो है परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग को लगता है कि बहुत टफ है, बट परसेंटेज ट्रस्ट मी परसेंटेज बहुत ही इजी टॉपिक होता है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझ आ गया तो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन कभी स्किप नहीं होंगे, राइट। क्योंकि परसेंटेज बहुत ही इजी होता है और इसका एक प्रॉपर मेथड होता है कि आप उस मेथड से अगर करना सीख गए तो आप क्वेश्चन सेकंड्स में बनाते जाओगे। तो परसेंटेज टॉपिक को आप पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन कर लेना, आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर इतना क्वेश्चन आपने कर लिया तो फिर परसेंटेज पर आपकी कमांड बन जाएगी प्रीत। दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर रेशियो और प्रोपोर्शन आपने पहले से पढ़ा हुआ है तभी आप इसको पढ़ना, अदरवाइज इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है रेशियो प्रोपोर्शन। आप चाहो तो आप इसको स्किप करके दूसरे टॉपिक पर अपनी कमांड बना सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त देखने को मिलेंगे, कभी कभी इसके क्वेश्चन नहीं आते, बट परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ओके। दूसरा है एवरेज। एवरेज ऐसा टॉपिक है जो आप आराम से खत्म कर सकते हो 2 या 3 दिन के अंदर। इसमें आप बिल्कुल अपनी कमांड बना सकते हो 2 या 3 दिन में, क्योंकि देखिए एवरेज क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइप नहीं होते हैं, कुछ ऐसे टाइप हैं और बहुत ही इजी होते हैं जो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाते हैं और उसके क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी नहीं होते, नहीं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसे बनाए जाते हैं। दो तीन पैटर्न इसमें ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको उस चीज पर ध्यान देना है, उस पैटर्न को आपको पकड़ना है और उसके क्वेश्चन बना लेना। यहां से क्वेश्चन अगर आप बना लिए, लेवल 3 तक आपने अगर कर लिया, तो आप डेफिनेटली एवरेज के क्वेश्चन तो आराम से बना ले जाओगे। एंड मैं आपसे यही कहूंगी कि आप परसेंटेज और एवरेज इस टॉपिक को अच्छे से करते जाना। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एवरेज टॉपिक अगर आप करके जाओगे तो प्रीलिम्स में 1 नंबर तो आप पक्का कर आओगे। दूसरा टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टॉपिक को मैं हमेशा स्किप करती हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट में मेरी इतनी कमांड नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं इंटरेस्ट करने जाऊंगी तो मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक, तो मैं अदर टॉपिक को ज्यादा करती हूँ। अगर इंटरेस्ट की जगह पर प्रॉफिट लॉस है तो मैं प्रॉफिट लॉस को प्रीफर करूंगी, इंटरेस्ट की जगह पर परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज करूंगी, या फिर एवरेज है तो मैं एवरेज करूंगी। इंटरेस्ट को मैं नहीं करती हूँ। आप अगर आपने पहले से इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, आप क्वेश्चन बना ले जाते हो, तो फिर यहां से आप प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, बाद के लिए रख सकते हो और दूसरे टॉपिक पर अभी कमांड बना सकते हो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस को जरूर करना है, प्रॉफिट लॉस को स्किप मत करना, इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप आराम से बना ले जाओगे अगर आपकी कमांड बन गई इस पे। तो थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने कहां से पढ़ा है प्रॉफिट लॉस मैं एक बार बता देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में यूट्यूब से आदित्य सर से मैंने किया हुआ था, और आदित्य सर ने क्या किया हुआ है कि सारे टाइप को बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ाया हुआ है, तो उस वजह से प्रॉफिट लॉस आपका एकदम आराम से क्लियर हो जाता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो अगर आप चाहो तो आप वहां से क्लियर कर सकते हो। अगर आपको क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा कॉन्सेप्ट, तो वहां से कर सकते हो। अदरवाइज आप आशीष सर या फिर जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो तो आप उनसे पढ़ सकते हो, अगर आपको उनके मेथड समझ आते हैं, ठीक है, ओके। तो आप यहां से उसके क्वेश्चन लगा लेना, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद आता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मिक्सचर एंड एलिगेशन। मुझे लगता है कि अगर आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंपेयर में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ फॉर्मूला होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अगर आपने उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आप आराम से कर ले जाओगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या है, बहुत ज्यादा टाइप हैं, आपको करना होगा इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको बहुत अच्छे से करना होगी, क्योंकि एलिगेशन एक मेथड होता है और आपको ये सीखना पड़ेगा इसमें। तो मैं यही आपसे कहूंगी, अगर आपकी इस पर कमांड अभी नहीं है तो अभी के लिए आप इसको स्किप करके आप परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इसको प्रैक्टिस करो। और सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है, अगर आपने इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली तो आपकी एक और टॉपिक मींस आपकी 2 टॉपिक ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी, ओके। वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया अच्छे से तो आपके पाइप एंड सिस्टर्न करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कभी कभी क्या करते हैं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एंड पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन दोनों को दे देते हैं। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आप बिल्कुल आराम से कर ले जाओगे इसके क्वेश्चंस, बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैं आपसे ये कहूंगी टाइम एंड वर्क को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक लगता है मुझे ये, एंड काफी सही होते हैं, इसके क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क आप एक बार पढ़ लेना,
पाइप एंड सिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लिया, पाइप एंड सिस्टर के कुछ क्वेश्चंस लगा लेना, सिर्फ अलग से उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन लगा लेना, आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बट जो टॉपिक मैंने आपको बताया है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं और आप उससे क्वेश्चन बना सकते हो बिल्कुल आराम से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको 10 नंबर दिलाएगा, वो है आपका DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो DI के लिए मैं आपको बता देती हूँ एक बार, DI के लिए आपको हर तरीके की DI प्रैक्टिस करनी है। अब तक हम लोग जिस तरीके की DI प्रैक्टिस करते आए हैं, जैसे कि सिंपल आपको डेटा दे दिया और कैलकुलेट करने को कह दिया परसेंटेज, उस तरीके की DI अब नहीं आती है। इतना ध्यान में रखकर ही आपको DI की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने SBI PO दिया हुआ है तो आपको पता चल गया होगा, अगर आपने SBI क्लर्क दिया था तो भी आपको पता होगा लेवल की किस तरीके से चेंज हो चुका है सब कुछ पैटर्न। तो आपको डायरेक्ट डेटा वाली DI की प्रैक्टिस नहीं करनी है क्योंकि वो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे, आप नहीं सभी लोग कर ले जाएंगे जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट जो इनडायरेक्ट डेटा वाली DI होती है उसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि सभी लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरीके से आप देखिए पाई चार्ट वाली DI प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें काफी अच्छी DI दी हुई है, अच्छे लेवल की DI दी हुई है। अगर आपके पास ई बुक है तो आप यहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप यहां से पाई चार्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, बार ग्राफ की कर सकते हो, टेबल DI जो आती है उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इस तरीके की जितनी भी DI आपकी बनती है सारी DI आपको इसमें मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आप चाहो तो आप यहां से ही प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास ये बुक है। दूसरा, आप मॉक से जितनी DI दोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा, और मॉक के अलावा भी DI की प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत होती है क्योंकि मॉक में आपको कितनी DI मिलेगी, आपने एक मॉक दिया 2 DI आपको मिली, आप मान लीजिए आपने दिन भर में 2 मॉक दिया तो आपको 4 DI मिल गई दिन भर में, राइट। तो आपने अगर 4 DI प्रैक्टिस कर ली तो सिर्फ 4 DI से काम नहीं चलने वाला है, आपको अलग से कम 3-4 DI अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपका फ्लो मेंटेन रखने के लिए, आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, आपकी समझ बढ़ाने के लिए, राइट। तो इस वजह से DI की प्रैक्टिस अलग से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें लेवल 3 की भी DI दी हुई है जो कि अच्छी खासी DI है, ये लेवल काफी अच्छा है। अगर इस लेवल को आप कर ले जाते हो तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है, DI की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, प्लस जितने मैंने आपको क्वांट के टॉपिक बताए हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अगर आपने इतने टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है क्वांट में तो आप डेफिनेटली 20+ करके आओगे, 20+ क्वेश्चन करके आओगे, एंड 20+ क्वेश्चन एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। अगर आपने 20+ कर लिया, 22, 23, 25, तो काफी अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है, आपको ही पता है। तो इस तरीके से आप अपने अटेम्प्ट निकाल सकते हो अच्छे खासे IPS क्लर्क को अगर आपने टारगेट किया हुआ है, क्योंकि IPS PO के लिए तो अब ज्यादा टाइम नहीं है। IPS PO के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपके पास ये बुक है तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो, बट IPS क्लर्क को अगर आपने टारगेट किया हुआ है तो आपको अलग से इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास ये बुक है तो आप चाहो यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस मॉक देते रहना तो उससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ, इस बुक में काफी अच्छे से आंसर दिया हुआ है, प्लस इसमें आपका सॉल्यूशन इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था तो आप एक बार में ही समझ जाओगे, क्योंकि काफी अच्छे से पूरा चार्ट बनाकर देता है, काफी अच्छे से इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये चीज काफी अच्छी है इसकी। प्लस एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, काफी लोग जो बिगनर होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग जो करते हैं उसमें आइडल टाइम क्या होना चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसमें आपको टाइम दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है 49 सेकंड में, अगर आपने कर लिया तो आपकी स्पीड अच्छी है। अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो तो कहीं ना कहीं स्पीड पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यहां से प्रैक्टिस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप परचेस करना चाहते हो आप डेफिनेटली वहां से परचेस कर लेना, अदरवाइज अगर आपके पास कोई मॉक है तो मॉक से प्रैक्टिस करते रहिए, या फिर आप गूगल पर भी सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस की। एंड आई थिंक जिन लोगों को भी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, उनको अपना आंसर मिल गया है। एंड यस, इस तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, IPS PO IPS क्लर्क अब सामने है, SBI मेन सामने है, एंड प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक लगाते रहिए, अपनी जो भी कमियां है उसको इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।